माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। ध्यान थोड़ा पीछे हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। चलो वंदे मातरम। 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मातरम। 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 जय जय जय। जय हिंद दोस्तों। 70वें स्वतंत्रता दिवस की समस्त कठुआ वासियों को, समस्त भारतवासियों को बरवाल एथलीट्स क्लब की तरफ से, मेरे गांव की तरफ से, पूरे शहर की तरफ से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल ये ऐतिहासिक तिरंगा रैली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पहला ऐसा इवेंट है जो कठुआ में करवाया गया है और मैं बहुत दिल से आभारी रहूँगा उस इंसान का जिसने ये दिमाग में मेरे में आइडिया लाया। नाम स्पष्ट नहीं कर सकते क्योंकि हर चीज़ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्ल्यू ऐसा रहता है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं, वो लोग जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उस सोशल मीडिया पे कमेंट्स कर रहे थे कि ये एक पर्टिकुलर पार्टी का झंडा है, तो भाई साहब ये झंडा भारत देश का है, हिंदुस्तान का तिरंगा है और ये तिरंगा हमारी शान है। ये किसी एक पार्टी विशेष का झंडा नहीं है। अगर आज एक स्लोगन चल रहा है कि हर घर तिरंगा, तो अगर किसी में इनोवेशन होती तो हर घर तिरंगा आज से 25 साल पहले भी स्लोगन आ सकता था बाहर। स्लोगन जब आते हैं तो वो इनोवेशंस होती हैं, वो आइडियाज़ होते हैं। जैसे आज ये इवेंट, कठुआ का पहला इवेंट, ये ऐसा तिरंगा रैली, इतनी लंबी तिरंगा रैली जो की जा रही है, तो क्रिएशन ऑफ माइंड है। किसी के दिमाग में आया आइडिया पनपा और हमने उसको प्रैक्टिकल ज़मीन पर लाके खड़ा कर दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि देश के प्रति और देश के इंटीग्रिटी के प्रति अगर आपके मन में सच्ची भावना है, तो उस सच्ची भावना को कहीं ना कहीं जागृत करिए, लोगों को जागृत कीजिए कि भारत देश से प्यार करें, अपने तिरंगे से प्यार करें। और पॉजिटिविटी वाले जो स्टेप्स हैं, चाहे वो गेम्स हों, चाहे वो नेशनल इंटीग्रिटी के, चाहे यूनिटी के, चाहे वो कोई भी इवेंट्स हों, उनमें करने के लिए आप एक सकारात्मक अपना रोल अदा करें। रंजीत जी, आज एडीसी कठुआ ने भी काफ़ी सराहना की है क्योंकि पहली बार ऐसा कठुआ में हुआ, तो किस तरह से देखते हैं कि उनका सराहना करना और तमाम मीडिया बंधुओं के सामने ऐसी बातें करने की बहुत अच्छा नहीं। बोल्डली कहता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर कठुआ IAS राकेश मिन्हा जी एक ऑनेस्ट ऑफिसर हैं। हमने भी बहुत से ब्यूरोक्रेट्स देखे हैं, एक अच्छी नेचर, अच्छे स्वभाव और हर वक्त हर घड़ी आम जनता से कम्युनिकेट करने वाले मैंने पहले डिप्टी कमिश्नर देखे हैं। किसी की तारीफ करना आपने तो बहुत कम देखा होगा कि मैं किसी ब्यूरोक्रेट की तारीफ करता हूँ। हाँ,
उनकी सराहना जरूर करता हूँ अगर उन्होंने कोई अचीवमेंट की है जो अच्छा काम किया है। तारीफ बिफोर द मीडिया ऑन ट्रैक बोल रहा हूँ कि डिप्टी कमिश्नर कठुआ इज अ ऑनेस्ट पर्सन और वो उनकी सराहना जरूर करेंगे जो इस सोसाइटी को जो समाज को एक दिशा और एक अच्छी दशा देने का काम करेंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। समस्त मीडिया बंधुओं का दिल की गहराइयों से मैं आभार प्रकट करता हूं कि हमारी इस तिरंगा रैली को आप लोगों ने चार चांद लगा दिए। जय हिंद जय भारत।